हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चार सिलाई में बनने वाला और बहुत ही ब्यूटीफुल सा नीटिंग पैटर्न। डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अपने बना सकते हो। बहुत ही इजी डिजाइन है, केवल चार सिलाई में ये डिजाइन बनता है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप लेडीज, जेंट्स, बेबी, गर्ल्स, हर किसी के स्वेटर पे इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है। डिजाइन को बनाने के लिए फंदे जो लेने हैं वो हमने लेने हैं 5 के मल्टीपल पे, यानी कि 5 5 5 5 करके फंदे डालेंगे और लास्ट में 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखाई देता है। ये इसका राइट साइड है, यानी कि फ्रंट साइड। बहुत ही खूबसूरत इजी डिजाइन है। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं इसे। तो देखिए, इस पे मैंने लिए हैं 19 फंदे, 5 5 फंदे मैंने इस पे 3 बार लिए हैं। 5 5 2 10, 5 3 15, 15 फंदे मैंने डिजाइन के डाले हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। आपने भी इसी तरह से फंदे लेने हैं, 5 5 5 5 5 करके, देन लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। पहली सिलाई हम उल्टी तरफ से बनाएंगे, रो 1 बनाएंगे रॉन्ग साइड से। तो ध्यान से देखिएगा, 4 सिलाई का डिजाइन है और चारों सिलाई आपने ध्यान से देखनी है। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा उल्टा है, उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद धागा पीछे कर देना है। अब 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से, देखिए 1 और 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर देना है। 3 फंदों पर हमने 1 2 3, इन 3ों फंदों को हमने डबल करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए डबल करके, यानी कि जैसे सिलाई पे फंदे पे सिलाई डाली और इसे 2 बार इस तरह से घुमाना है, यानी कि डबल करके हमने इसे उल्टा बनाना है इस तरह से। 1, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे डबल करके। 2, तीसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे डबल करके। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल ये 5 फंदों का डिज़ाइन बन गया है। एज को छोड़ के देखिए, 2 सीधे और 3 फंदे उल्टे डबल करके हमने यहाँ पे बनाने हैं। टोटल ये 5 फंदों का डिज़ाइन है। ठीक है, फिर से इसी को ही हमने रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, धागा अपनी तरफ ले लेना है। 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से डबल करके, यानी कि सिलाई पे 2 बार धागा घुमा के हमने इसे बनाना है। 3 फंदों को ऐसे बनाना है, 1 2 और ये 3। तो पूरी सिलाई हम इन्हीं 5 फंदों को रिपीट करते हुए जाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे फंदे हम डबल करके बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे 3 फंदे यहाँ पे आएंगे। 3 में से 2 फंदे तो सीधे आएंगे और एस्टिच को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके एस्टिच उल्टा बनाएंगे। तो पहली सिलाई हमने उल्टी तरफ से इस तरह से यहाँ पे बनानी है। ठीक है, अब देखिए दूसरी सिलाई आएगी हमारी सीधी तरफ से, सेकेंड रो राइट साइड। पहला फंदा सीधा उतारेंगे, एस्टिच को सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ले लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और 2। अब हम धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए, जो ये हमने डबल डबल करके 3 फंदे बनाए हैं, इन्हें हमने इस तरह से लूज कर देना है, 1 2 3, यानी कि जो डबल फोल्ड थे उन्हें हमने अनफोल्ड करके इसे बिना बुने ही सिलाई पे रहने देना है। ठीक है, अब इसके बाद धागा आगे कर देंगे। देखिए, 2 उल्टे बनाए हमने और 3 फंदे हमने बिना बुने ही स्लिप करने हैं। इन टोटल 5 फंदों को ही पूरी सिलाई पे रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके डबल वाले फंदे हमने बिना बुने ही स्लिप करने हैं इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2, धागा पीछे कर देंगे, 3 फंदे हमने बिना बुने ही इस तरह से स्लिप करने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और एस्टिच को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई बनानी है। ठीक है, अब देखिए तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से आएगी, थर्ड रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देना है। अब जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 फंदे इन्हें सीधा ही बना देंगे, 1 और 2। ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, जो फंदे हमने पिछली बार ये 3 फंदे स्लिप करे थे ना, इन 3ों फंदों को धागा अपनी तरफ रखना है और 3ों फंदों को इस अब की बार भी इन्हें
इस तरह से शिफ्ट करना है, बिना बुने ही सिलाई पे रखना है, ठीक है। धागा पीछे कर देंगे। अब इन्हीं पांच फंदों को रिपीट करेंगे, यानी कि दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और जो ये तीन फंदे हैं इन्हें हमने बिना बुने ही इस तरह से स्लिप कर देना है, ठीक है। फिर से देखिए, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करके ये तीन फंदे हमने स्लिप करने हैं, ठीक है। लास्ट में ऐसे करते करते तीन फंदे बचेंगे, जिनमें से दो फंदे सीधे बनाए जाएंगे और एस स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारी तीसरी सिलाई आएगी। थर्ड रो हमने रॉन्ग साइड से इस तरह से बनानी है। अब देखिए, फोर्थ रो आएगी हमारी राइट साइड से, चौथी सिलाई सीधी तरफ से। पहला फंदा एस स्टिच से सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ले लेंगे। अब देखिए, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, एक और दो, ठीक है। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से सिलाई पे धागा घुमा के यहाँ पे हमने जाली बना देनी है। अब इन तीन फंदों का हमने एक फंदा करना है। देखिए कैसे, पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, और पीछे के जो ये दो फंदे हैं इन्हें हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनना है सीधा, इस तरह से, इस तरह से बुना। और जो ये स्लिप करा हुआ फंदा है इसे इन दोनों इस फंदे के ऊपर से लाते हुए यहाँ पे इस तरह से गिरा देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से एक जाली बनानी है। तो इस तरह से जब जाली बनाएंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जब जाली बनाएंगे, तो तीन फंदों के तीन फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। फिर से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे रिपीट करना है। ये देखिए, जो ये उल्टे फंदे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर देना है, एक फंदा स्लिप करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, सिलाई डालेंगे और इन्हें सीधा जैसे बुनते हैं दो का एक करेंगे, और जो ये स्लिप करा हुआ फंदा है इसे इस फंदे के ऊपर से लाते हुए यहाँ पे गिरा देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करना है और दो फंदों का एक फंदा करना है, इस तरह से सीधा जैसे बुनते हैं वैसे ही दो फंदों का एक फंदा करना है, और इस स्लिप वाले फंदे को हम यहाँ पे लाके यहाँ पे गिरा देंगे, ठीक है। और एक जाली बनाएंगे ऐसे। ऐसा करते करते लास्ट में दो फंदे उल्टे आएंगे और एस स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चार सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। फिर से हम पहली सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ से, जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उल्टी तरफ से, इन्हीं चार सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे, वैसे वैसे देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा। ज़्यादा बुनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।